स्वामी विवेकानंद ने केरल को पागलखाना क्यों कहा था? हमेशा की तरह कुछ अलग बताएंगे, लाइक जरूर कर दें। एक बार जब स्वामी जी भारत भ्रमण के दौरान केरल पहुंचे, तो त्रिशूर में उनकी तमन्ना थी कि कोडंगलूर मंदिर के दर्शन करें। स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने 3 दिन मंदिर के बाहर इंतजार किया, किंतु फिर भी पुजारियों ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। कारण था कि पुजारी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि विवेकानंद ऊंची जाति के हैं या पिछड़ी जाति के। ये देखकर स्वामी विवेकानंद ने त्रावणकोर राज्य को पागल खाने की संज्ञा दे दी और आगे बढ़ गए। वैसे आज का केरल आपको कैसा लगता है?